शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मोमिनो, किसी बात के जवाब में खुदा और उसके रसूल से पहले न बोल उठा करो और खुदा से डरते रहो, बेशक खुदा सुनता जानता है। ऐ अहले ईमान, अपनी आवाजें पैगंबर की आवाज से ऊंची न करो, और जिस तरह आपस में एक दूसरे से जोर से बोलते हो इस तरह उनके रूबरू जोर से न बोला करो, ऐसा न हो कि तुम्हारे आमाल जाया हो जाएं और तुमको खबर भी न हो। जो लोग पैगंबर खुदा के सामने दबी आवाज से बोलते हैं, खुदा ने उनके दिल तकवे के लिए आजमा लिए हैं, उनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है। जो लोग तुमको हुजरों के बाहर से आवाज देते हैं उनमें अक्सर बेअक्ल है, और अगर वो सब्र किए रहते यहां तक कि तुम खुद निकलकर उनके पास आते तो ये उनके लिए बेहतर था, और खुदा तो बख्शने वाला मेहरबान है। मोमिनो, अगर कोई बदकिरदार तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो, मुबादा कि किसी कौम को नादानी से नुकसान पहुंचा दो, फिर तुमको अपने किए पर नादिम होना पड़े। और जान रखो कि तुम में खुदा के पैगंबर हैं, अगर बहुत सी बातों में वो तुम्हारा कहा मान लिया करें तो तुम मुश्किल में पड़ जाओ, लेकिन खुदा ने तुमको ईमान अजीज बना दिया और उसको तुम्हारे दिलों में सजा दिया, और कुफ्र और गुनाह और नाफरमानी से तुमको बेजार कर दिया, यही लोग राह हिदायत पर हैं, यानी खुदा के फजल और एहसान से, और खुदा जानने वाला और हिकमत वाला है। और अगर मोमिनों में से कोई दो फरीक आपस में लड़ पड़े तो उनमें सुलह करा दो, और अगर एक फरीक दूसरे पर ज्यादती करे तो ज्यादती करने वाले से लड़ो यहाँ तक कि वो खुदा के हुक्म की तरफ रुजू लाए, बस जब वो रुजू लाए तो दोनों फरीक में मसावात के साथ सुलह करा दो, और इंसाफ से काम लो कि खुदा इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं, तो अपने दो भाइयों में सुलह करा दिया करो, और खुदा से डरते रहो ताकि तुम पर रहमत की जाए। मोमिनो, कोई कौम किसी कौम से तमस्खुर न करे, मुमकिन है कि वो लोग उनसे बेहतर हों, और ना औरतें औरतों से तमस्खुर करें, मुमकिन है कि वो उनसे अच्छी हों, और अपने मोमिन भाई को ऐब न लगाओ और ना एक दूसरे का बुरा नाम रखो, ईमान लाने के बाद बुरा नाम रखना गुनाह है, और जो तौबा न करें वो जालिम है। ऐ अहले ईमान, बहुत गुमान करने से एतराज करो कि बाज गुमान गुनाह है, और एक दूसरे के हाल का तजस्सुस न किया करो, और ना कोई किसी की गीबत करे, क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए, इससे तो तुम जरूर नफरत करोगे, तो गीबत न करो और खुदा का डर रखो, बेशक खुदा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। लोगो, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारी कौमें और कबीले बनाए ताकि एक दूसरे को शनाख्त करो, और खुदा के नजदीक तुम में ज्यादा इज्जत वाला वो है जो ज्यादा परहेजगार है, बेशक खुदा सब कुछ जानने वाला और सबसे खबरदार है। देहाती कहते हैं कि हम ईमान ले आए, कह दो कि तुम ईमान नहीं लाए, बल्कि यूं कहो कि हम इस्लाम लाए हैं, और ईमान तो हनोज तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ, और अगर तुम खुदा और उसके रसूल की फरमा बरदारी करोगे तो खुदा तुम्हारे आमाल में से कुछ कम नहीं करेगा, बेशक खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। मोमिन तो वो हैं जो खुदा और उसके रसूल पर ईमान लाए फिर शक में ना पड़े और खुदा की राह में जान और माल से लड़े, यही लोग ईमान के सच्चे हैं। उनसे कहो, क्या तुम खुदा को अपनी दीनदारी जतलाते हो, और खुदा तो आसमानों और जमीन की सब चीजों से वाकिफ है, और खुदा हर शय को जानता है। ये लोग तुम पर एहसान रखते हैं कि मुसलमान हो गए हैं, कह दो कि अपने मुसलमान होने का मुझ पर एहसान न रखो, बल्कि खुदा तुम पर एहसान रखता है कि उसने तुम्हें ईमान का रास्ता दिखाया, बशर्ते कि तुम सच्चे मुसलमान हो, बेशक खुदा आसमानों और जमीन की पोशीदा बातों को जानता है, और जो कुछ तुम करते हो उसे देखता है।